Hi everyone, my name is Lokmanyu. I'm from KBFC The Blasters and I'm also part of the Indian e-national team. On a very popular demand of the famous Lokmanyu's coaching classes, we are going to do just the same in this video. So in this video, I'll be talking to you guys about the basic ball movement and dribbling mechanics. Also, I'll be sharing some important skill moves in the game that is required to become a better FIFA player. So let's take it step by step. तो एज फीफा प्लेयर्स जैसे हम जानते हैं कि स्प्रिंट सबसे बेसिक पार्ट है गेम का और वो R2 बटन से या R1 बटन से होता है. आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप तेज उससे भागते हैं. बट दो चीज़ें जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है कि पूरे टाइम R2 बटन दबा के भागते रहो. उससे आपका स्टैमिना डिप्लीट होगा, आपके अच्छे प्लेयर्स बहुत जल्दी थक जाएंगे. दूसरी चीज़ कि आप पूरे टाइम डिफेंडर में जाके पोजेशन लूज करते रहोगे, जिसका कोई सेंस नहीं बनता. तो ये दो कॉमन मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करोगे, लेफ्ट स्टिक और R2 दोनों का मिक्स करोगे, तो आप बेटर सिचुएशंस में जाके अटैक कर सकते हैं. So the next step is agile dribbling. This is one of the most basic things that a lot of people might not do. But today I'm going to show you how it's done. जैसे आप देख रहे हैं Mbappe जैसा player जिसकी dribbling stats बहुत अच्छे हैं, अगर आप normal left stick से dribble करोगे तो वो ऐसे dribble करेगा. But अगर आप R1 के साथ dribble करोगे जो agile dribbling का button है, उससे आप देखो अगर उसका Mbappe का movement कितना fast वो move कर रहा है और defender को confuse कर सकता है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो defender को कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं किसी भी direction में जा सकता हूँ. और जैसे हमने sprint की बात करी थी, उसको हम use करके अगर हम लोग सामने जाएँ कम गोल स्कोर कर सकते. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेफ ड्रिबलिंग. नाउ ये एक ऐसी चीज है जो आपके गेम को अगले लेवल पे लेके जा सकती है, बिकॉज ये बहुत सारे प्रोज EISL में भी यूज कर रहे हैं. वो है L1. नाउ जैसे अभी हमने R1 सीखा था, ये L1. तो अब जैसे देख सकते हैं अगर आप L1 और लेफ्ट स्टिक को दबाओगे तो प्लेयर एक डिफरेंट तरीके की एनिमेशन करेगा, बॉल पीछे लेके जाएगा, साइड में लेके जाएगा. तो ये एक तरह से डिफेंडर को बेट करने का तरीका होता है. और अगर आप इसके साथ स्प्रिंट कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो आप एकदम से स्पेस में एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने पहले से देखा. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्किल है. इसे फिर से आप देखोगे, बेट किया और एकदम से स्पेस में चले गए जहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है और आप फिर जाके आगे अपना चांस क्रिएट कर सकते. जो अगला पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ड्रैग बैक. एक बहुत सिंपल चीज़ है, आप काफ़ी लोग करते भी होंगे, बट जो नहीं करते उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज आप इससे पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू डू. आप जैसे मैंने आपको अभी R1 बताया, L1 बताया, अब इन दोनों को साथ में दबाना है और साथ में दबा के लेफ्ट स्टिक को एक डायरेक्शन में जिसमें आपको एग्जिट करना है. जैसे आप Mbappe से देखेंगे, मैं अगर L1 R1 और डायरेक्शन को दबाऊंगा पीछे की साइड तो एक ड्रैग बैक करेगा, तो उससे पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है प्लेयर का. तो ये बहुत इफेक्टिव स्किल मूव है डायरेक्शन चेंज करने के लिए. आप इसको हाफ ड्रैग बैक भी कर सकते हैं, रोक के लेफ्ट स्टिक को रोक दो, नहीं तो पूरा लेफ्ट स्टिक को दबा के रखो और पूरा डायरेक्शन चेंज कर दो. इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अटैक. सो एज यू गाइस सॉ, दीज आर द पॉइंटर्स दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर गेम. अगर आप इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने आपको ड्रिबलिंग के बेसिक मैकेनिक्स बताए, आपका डेफिनेटली गेम इम्प्रूव होगा. ये लोकमान्यु कोचिंग क्लासेस की गारंटी है. तो इलास्टिको, जैसे मैंने बताया, मेरी फेवरेट स्किल मूव है. ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप मेरा हैंड मूवमेंट ढंग से देखेंगे तो आपको समझ आएगा. जैसे आप देख रहे हैं एक 5-स्टार स्किलर से ही हो सकता है. अब मेरी राइट स्टिक को अगर आप ढंग से देखेंगे तो मुझे राइट स्टिक पे बेसिकली 3-6 एक क्लॉक समझ के घुमाना है, और ये चीज़ आपको हर डायरेक्शन में करनी है. अगेन थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे रोज़ और मास्टर करोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा. जैसे आप देख सकते हैं क्रॉइफ से मैंने यहाँ पे 3-6 किया, तो ये इलास्टिको, तो ये बहुत अच्छे से बॉडी फेंट करता है. फिर से करके दिखाऊंगा, देयर वी गो. तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बॉक्स के अराउंड, और इसकी वजह से आप बहुत गोल मार सकते हो अगर आपने मास्टर कर लिया. यूज़ दीज बेसिक स्किल मूव्स टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम एंड हैव एन एज ओवर योर ओपोनेंट. नाउ डोंट फॉरगेट टू वॉच द EISL मैचेस ऑन NODWIN गेमिंग फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस.